हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट्स। यहाँ पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। और आज की हमारी जो टेस्टी रेसिपी है वो बिना प्याज लहसुन हमने बनाई है, और इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा चटपटी वो बनकर रेडी हुई है। नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज लहसुन की ये सब्जियों की सीरीज़। सब्जियाँ ही नहीं, बहुत कुछ बनने वाला है, तो बने रहें मेरे साथ और एकदम चटपटी चटपटी रेसिपीज़ का मज़ा लें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खूब सारी सब्जियाँ ले ली हैं, पत्ता गोभी, आलू, शिमला मिर्च, साथ में बीन्स, पनीर, टमाटो प्योरे, और आप चाहो तो जो भी आपको पसंद हो वो सब्जियाँ इसमें ऐड कर दो। बेसिकली मिक्स वेज का ही एक वर्जन है। और अभी हम क्या करेंगे, आलू जो हैं उनको और पनीर को मैं यहाँ पे फ्राई करने वाली हूँ। तो तेल थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि उतना तेल जाएगा इसमें, फ्राई करने में भी लगेगा और साथ ही फिर हमारी सब्जी बनाने में भी लगेगा। तो चलिए, जैसे ही तेल गर्म हुआ इसमें हम डाल देंगे आलू, और क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन गोल्डन हमें इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से ना टेस्ट दुगुना हो जाता है, एकदम से ही बढ़ जाता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये सब्जी ना इतनी ज़्यादा चटपटी सी बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, मतलब यकीन नहीं मानोगे आप, रेस्टोरेंट का खाना आप भूल जाओगे, रेस्टोरेंट की जो मिक्स वेज है ना वो भूल जाओगे आप, और घर पर ही हमेशा ऐसे ही बनाओगे। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आती है, और बिना प्याज लहसुन है, कोई प्याज लहसुन इसमें नहीं है, तो आप कभी भी व्रत में इसको बना सकते हो। तो लीजिए, बातों बातों में हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इस तरीके से क्रिस्प एंड गोल्डन इनको फ्राई कर लेना है। तो आलू को हम निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे, और इसी तेल में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहें पनीर जब आप इसमें प्लेस कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उछलता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर फ्राई करें। इनको भी हम गोल्डन गोल्डन कर लेंगे और फिर इनको भी निकाल लेंगे, और जो तेल जो बचेगा यहाँ पे इसमें हम हमारी सब्जी छोंक देंगे। तो ये लीजिए, पनीर जो है वो भी सारा निकाल कर साइड में रख देंगे। और ये दोनों ही चीज़ें फ्राई होने के बाद इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, कि बच्चों ने तो ऐसे ही उठा उठा कर आधी तो खा ली थी तो बच्चों से थोड़ा सा बचा के रखें अगर सब्जी बनानी है तो। अभी देखो, तेजपत्ता, साथ में दालचीनी, लौंग और जीरे का छौंक लगाया, उसमें ग्रेट करी हुई अदरक और हरी मिर्च हमने डाल दी है। अच्छे से इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे ये कटी हुई पत्ता गोभी, ये लीजिए सारी पत्ता गोभी, और साथ ही बीन्स मैंने डाल दिए हैं। तो पत्ता गोभी और बीन्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं पकने में, इसलिए इनको पहले हमने डाल दिया है। सब्जियों को जितना जैसे वो टाइम लेती है ना पकने में, उस हिसाब से डालें, अदरवाइज़ जो सब्जी पहले पक जाती है वो फिर एकदम मैश हो जाती है दूसरी सब्जी के पकने तक। जैसे कि शिमला मिर्च है वो बहुत ही जल्दी पक जाती है, तो इसलिए उसको हम जब पत्ता गोभी और बीन्स ऑलमोस्ट कुक हो जाएंगे 90%, तब हम डालेंगे। और आप देख सकते हो ये कुक होने के बाद कितना रिड्यूस हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से ये पके हैं। तो अब जैसे ही हमारे पत्ता गोभी और बीन्स पक गए, तो हम ये शिमला मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स करके ढककर थोड़ी देर पकने देंगे, ताकि ये भी थोड़ा पक जाए, और उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो लीजिए, इसको वापस हम ढक्कन लगा देते हैं। तो बहुत ही मतलब सिंपल ट्रिक्स हैं करने की, लेकिन थोड़ी सी मतलब आप मेहनत कर लो ना, तो वही जो रेगुलर वाली सब्जियां हैं ना वही इतनी ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं, यकीन नहीं मानोगे आप। और देखिए, अभी हमारी सब्जियां जो हैं वो कुक हो गई, तो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी प्लस नमक, साथ ही अमचूर पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही यहाँ पे जा रही है कसूरी मेथी और धनिया पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आप देख रहे हो मैंने कोई इसमें गरम मसाला यूज़ नहीं करा है, सिर्फ खड़े मसाले डाले थे, और उसके बाद जो रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं वही मैंने इसमें ऐड करा है। लेकिन फिर भी इस सब्जी का जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा चटपटा, इतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मिक्स वेज बनकर रेडी होती है। तो मसालों को भी अच्छे से कुक होने देंगे हम, मसालों को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, उसी से जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो मसाले देखो पक गए हैं, तो अभी इसमें हम टोमेटो प्योरी ऐड करेंगे,
और सब्ज़ी का कलर भी देखिए काफ़ी चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो ये टमाटो प्योरे हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, आप चाहो तो बॉईल करके भी पीस सकते हो, मैंने कच्चा ही पीसा था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत है। तो अभी बस टमाटर को भी अच्छे से हम पकने देंगे और जो सब्जियां हैं वो टमाटर के रस से ना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगी। तो देखिए टमाटर जो है वो काफ़ी अच्छे से पका है हमारा और सब्ज़ी का जो कलर है वो और ज़्यादा अच्छा और टेस्टी एकदम चेंज होता जा रहा है। तो अभी इसमें ऐड कर देंगे हम ये आलू और पनीर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और आलू और पनीर को भी इस सब्ज़ी के साथ थोड़ा पकने देंगे ताकि इनके अंदर भी मसालों का जो टेस्ट है वो जाए, थोड़ा नमक का टेस्ट जाए ताकि ये भी एकदम चटपटे से हो जाए। हालांकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी ना टेस्टी लग रहे थे ऐसे खाने में भी, बट अब सब्ज़ी के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा तो नमक इनमें भी चाहिए, इसलिए अभी मसालों के साथ इनको थोड़ा पका लेंगे। और अब जो फाइनल एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे ये सब्जी जो है वो बिल्कुल एकदम ढाबे स्टाइल में हो जाएगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले तो ये सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारी जो सब्जी है मसाले हैं वो ऊपर नीचे आए, बहुत एकदम टेस्टी हो जाएं। और बीच में मैंने कर लिया है यहाँ पे एक खड्डा, अभी इसमें मैं स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरीके से हरा धनिया और थोड़ा सा बीच में भी ऐड कर दूँगी और उस पर हम डालेंगे एक जलता हुआ कोयला। जी हाँ, कोयला हम इसमें रखने वाले हैं, जला हुआ कोयला, और इसके ऊपर जाएगा 1 चम्मच घी। घी से जो इसके अंदर से धुआं निकलेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इस सब्ज़ी को ना एकदम स्मोकी फ्लेवर देगी और एकदम जैसे आप ढाबे पे खाते हो ना वो वाला इसमें टेस्ट आने वाला है। तो अभी ये जो कोयला है इसको तो हम निकाल देंगे और सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो धुआं है वो पूरी सब्ज़ी में मिक्स हो और बिल्कुल एकदम चटपटी सी आपकी ये सब्जी एकदम ढाबा स्टाइल मिक्स वेज बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके देखना, इनफैक्ट ये ढाबे से भी ज़्यादा टेस्टी, बहुत चटपटी ये बनकर रेडी हुई है। तो एक बार ज़रूर नवरात्रों में ही नहीं कभी भी आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगती है बूंदी के रायते के साथ दो या दाल के साथ, बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाती है। तो मेरे घर में तो इसको फुल मार्क्स मिले हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।